क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ा है अच्छी तरह से, तीन होते हैं आपके, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सर वैसे तो छह होते हैं। नहीं वैसे नहीं पढ़ेंगे अभी, हम अभी तो ऐसे ही पढ़ेंगे जो जनरली बेसिक स्टेट ऑफ मैटर है ना, अभी उन्हीं के रीजन पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तूने सही बात कही है बिल्कुल, आगे तुम बड़े हो जाओगे तो और भी एक दो स्टेट निकाल सकते हो। चल नाम बता। पांच होती है। बोस छह होती है। चल नाम बताओ, नाम बताओ नेक्स्ट का। बिल्कुल सही, और एक होती है थर्मोइनिक कंडेंसेट। चलो बिल्कुल सही है, जनरली बच्चों को ये नाम याद नहीं होते, होशियार बच्चे हैं। हम तीन पढ़ेंगे अभी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बचपन में ही तुम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कैसे हैं। एच और एच, ये दोनों जिस फोर्स से जुड़े हुए हैं ये इंटर एटॉमिक फोर्स है एटम एटम के बीच में, और ये दोनों मिलके बना देते हैं एच टू का मॉलिक्यूल, और ये हो गया दूसरे एच टू का मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में भी आपस में फोर्स होंगी, और इन फोर्सेस का स्पेशल नाम है, बड़ा तुम पढ़ोगे इसे, इन फोर्सेस को कहते हैं वैन डर वॉल फोर्सेस, वैन डर वॉल फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस? द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर नोन एज वैन डर वॉल फोर्सेस। तो इसकी डेफिनेशन यही होगी, डिफाइन वैन डर वॉल फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर कॉल्ड वैन डर वॉल फोर्सेस। क्लियर होगी। अब पहली बात इसके बारे में समझ लो कि ये कैसी होती है, स्ट्रांग होती हैं, वीक होती हैं, कैसी होंगी। तो जनरली बड़ी वीक फोर्सेस है, बड़ी कमजोर है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर फोर्सेज नहीं है, जबकि इंटर एटोमिक फोर्स एटम एटम के बीच में जो फोर्स है ये बड़ी स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है वो बड़ी वीक फोर्सेज है, ये ध्यान रखना। अब वीक तो है, ठीक है वीक है, लेकिन सारी बराबर तो नहीं होंगी ना, किसी में कुछ किसी में कुछ किसी में कुछ। तो जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में फोर्स, फिर H2O और H2O के मॉलिक्यूल में फोर्स, क्लियर है। और इसी तरह से NaCl और NaCl के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स। तो ये गैस हो गया, बहुत कमजोर फोर्सेस हैं, इनसे ज्यादा थोड़ी सी फोर्सेस ज्यादा ये हैं, तो ये दोनों थोड़े नजदीक हो गए, तो ये लिक्विड हो गया, इनसे ज्यादा ये हो गया, तो NaCl नमक सॉलिड हो गया। अब जो ये फोर्सेस हैं, कौन सी वाली फोर्सेस, ध्यान देना, वैन डर वॉल फोर्सेस, वैन डर वॉल। इसके टाइप्स आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, इसके टाइप्स, और इसके टाइप्स में ही काफी कुछ निमट जाएगा। इसके टाइप्स किस पे डिपेंड करते हैं, इसके टाइप्स डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन, ये फोर्सेस जिनके बीच में है उसके दोनों तरफ कौन से हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट किन के बीच में ये फोर्स लग रही है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके अकॉर्डिंग इसका पहला जो हम कैटेगरी लिखते हैं फर्स्ट, वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन।
अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस का क्या मतलब है भाई, कि एक डाइपोल था, एक डाइपोल, डाइपोल के बारे में तो तुम्हें अच्छी तरह पता है, डाइपोल जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल हो, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे HCl ले ले, HCl, HCl का अगर कोई मॉलिक्यूल है तो H के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, और दूसरे HCl में H के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, तो ये दो HCl हो गए। तो इनके बीच में जो फोर्सेस होगी, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसी फोर्सेस होगी देखना, ये मॉलिक्यूल एक है, ये दूसरा है, तो इसका इधर वाला क्लाउड नेगेटिव, इधर वाला क्लाउड पॉजिटिव, इसका इधर वाला क्लाउड पॉजिटिव, इधर वाला क्लाउड नेगेटिव, देख रहा है ना, एच पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है आयंस, ये आपस में एक दूसरे के बीच में कुछ अट्रैक्शन फील करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्लाउड, और ये जो फोर्स जनरेट होंगी, इन्हीं फोर्सेस को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस कहेंगे, कि ये जो इंटरेक्शन है, ये वैंडरवाल फोर्स है, इसके इधर भी क्या है, डाइपोल है, और इधर भी क्या है, डाइपोल है। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अकर अमंग द पोलर मॉलिक्यूल्स, फोर्स बिटवीन द फोर्सेस बिटवीन द पोलर, इन्हें क्या कहेंगे हम, पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे, द फोर्सेस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। पोलर मॉलिक्यूल हैव परमानेंट डाइपोल, तो पोलर मॉलिक्यूल की क्या खासियत है, कि दे हैव परमानेंट डाइपोल। भाई पोलर मॉलिक्यूल जनरली डाइपोल तो इंड्यूस भी हो जाता है, जनरेट भी हो जाता है, हम जबरदस्ती पॉजिटिव नेगेटिव भी जनरेट कर सकते हो, बाद में सीखेंगे हम, लेकिन जो ओरिजिनली परमानेंट हमेशा ही पॉजिटिव नेगेटिव जिसके ऊपर आयन बने रहते हैं, एक किनारा पॉजिटिव एक किनारा नेगेटिव, एक क्लाउड पॉजिटिव का एक क्लाउड नेगेटिव का, तो उसे पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है उसे हम डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं। द पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल इज दस अट्रैक्ट बाय द पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्ट बाय द नेगेटिव पोल ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। इसमें HCl का हम एग्जाम्पल ले लेंगे, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्वायर ए सिंगल स्लाइट नेगेटिव चार्ज वेयर इज द हाइड्रोजन एंड बिकम स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अच्छा इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कैसे है, ये तो हम डाइपोल में पढ़ चुके हैं, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पूरे जो देखो HCl जब कनेक्ट होता है HCl, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इनके बीच में जो बॉन्ड शेयर होगा, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी, तो क्लोरीन उसे अट्रैक्ट कर लेगा उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जिससे इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हम पहले पोलर मॉलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है सर। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होना चाहिए ना, नॉन मेटल है वो तो। ये आपको किसने बताया कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है या हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए? नहीं सर, वो नॉन मेटल तो वही होते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, 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 और हाइड्रोजन तो जनरली जनरली हर केसेस में पॉजिटिव आयन बनाता है, मोस्ट केसेस में। इससे जो दूसरे वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को इससे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कैसे रखेगा, आप बेसिक समझो ना, हाइड्रोजन को पकड़ के रखने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने के लिए, क्लियर है। दूसरा एटम बड़ा है, दूसरा एटम बड़ा है तो उसके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, वो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये आगे दोबारा एक बार मैं पढ़ा दूंगा, अलग टॉपिक है, बाकी बहुत सिंपल है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है बेटा। नेक्स्ट है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, सेकंड को हम क्या कहेंगे, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। इसका मतलब है बहुत सिंपल सिंपल, कि इस एक तरफ तो आयन होगा और एक तरफ क्या होगा, डाइपोल। तो डाइपोल यानी पोलर, पोलर को मान लो एग्जांपल H2O, तुमने H2O पढ़ा है ना, कि H2O कैसा होता है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इनके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये ऐसे क्लाउड होते हैं, तो ये डाइपोल हो गया। अच्छा आपने देखा कि नमक पानी में मिक्स हो जाता है, नमक यानी NaCl पानी में घुल जाता है, तो घुलता कैसे है, तो NaCl जब वाटर में जाता है
तो ध्यान से समझना, जो Na है, Na उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? Na का जो पॉजिटिव चार्ज है, वाटर का नेगेटिव चार्ज यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन जो है, जिससे दो हाइड्रोजन H पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो सोडियम को अपने बीच में वो बांध लेंगे एक तरह से, और सोडियम क्लोरीन से अलग हो जाएगा। सोडियम किससे अलग हो जाएगा? क्लोरीन से। तो एक तो आयन हो गया सोडियम, और दूसरा क्या हो गया? पोल, डाइपोल हो गया, पोलर मॉलिक्यूल। तो आयन और पोलर मॉलिक्यूल, आयन का एग्जांपल क्या लिया हमने? Na पॉजिटिव, और पोलर मॉलिक्यूल H2O। ऐसे ही जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव, वहां पे वो क्लोरीन उनके पास अट्रैक्ट पोजीशन में रहेगा। इसी का दूसरा सीन अगर देखें, अगर हमने देखा भाई सोडियम को यहाँ ऑक्सीजन ने घेरा हुआ है, दो दोस्त थे सोडियम क्लोराइड में, सोडियम और क्लोरीन गुंडों में फंस गए। सोडियम को तो ऑक्सीजन वालों ने घेर लिया, और क्लोरीन के साथ क्या हुआ? क्लोरीन पे नेगेटिव था, इसके चारों तरफ ये जो हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन जो दूसरा था, उसके हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के चारों तरफ सेट हो गए, यानी उन्होंने क्लोरीन को घेर लिया। क्लियर है? इस तरह से हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ ऑक्सीजन ने किसी और, इन ऑक्सीजनों ने किसी और सोडियम को घेरा हुआ होगा, तो ये पूरा सीन बनता है। क्लोरीन पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव आयन की तरफ। इससे ये दोनों दो आपस में पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से आपस में एक साथ थे, पक्की यारी दोस्ती थी इनकी, वो यहां टूट गई। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन का। थर्ड है हमारे पास, थर्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। नाम से ही समझ में आ जाएगा तुम अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस, यानी एक तो आयन होना चाहिए और एक डाइपोल नहीं था, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मतलब जनरेट किया हुआ, जिसे जनरेट किया जा सके, जनरेट यानी पैदा किया जा सके, जिसे बनाया जा सके, तो पैदा किया हुआ, बनाया हुआ डाइपोल। डाइपोल था नहीं बेचारा, उसे जबरदस्ती हमने डाइपोल बना दिया। किसने बना दिया? इस आयन ने बना दिया। किसने बनाया? आयन ने बना दिया। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो NO3 नेगेटिव, ये एक आयन है, और ये आयोडीन मॉलिक्यूल्स के साथ बंद है डिब्बे में, आयोडीन के साथ। तो सीन कैसा सा जनरेट होगा? आयोडीन मॉलिक्यूल को देखें, आई यानी ये बना लेते हैं आई और आई, दोनों इक्वल इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दोनों ने बॉन्ड को इक्वली शेयर किया हुआ था, दोनों बढ़िया, कोई डाइपोल नहीं, बढ़िया जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जैसे इसके पास NO3 नेगेटिव ये मॉलिक्यूल आया, NO3 नेगेटिव ये आया, तो इसके ऊपर हाईली नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो था बॉन्ड आई और आई के बीच में, इनके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन है दोनों तरफ, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल कर देगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल, और थोड़ा सा इसे उस तरफ शिफ्ट कर देगा, दूसरे आयोडीन की तरफ। जैसे ये दूसरे आयोडीन की तरफ शिफ्ट होगा, दूसरे वाला आयोडीन नेगेटिव हो जाएगा, यानी एक तरह से नेगेटिव चार्ज ने नेगेटिव को रिपेल कर दिया। नेगेटिव जैसे ही वहां शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अब बॉन्ड बन जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो जाएंगी। और ये वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है? यही है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन इंड्यूस्ड, आयन आयन कौन सा? NO3। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल में हम आई टू का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई और आई नॉर्मल थे, लेकिन NO3 ने नेगेटिव चार्ज को क्या है? डिस्प्लेस कर दिया, शिफ्ट कर दिया, रिपेल कर दिया, जिसकी वजह से नेगेटिव दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया, और यहाँ पॉजिटिव जनरेट हो गया। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव जनरेट हुआ, तो अब इसे हम डाइपोल कह देंगे, लेकिन ये ओरिजिनल डाइपोल तो नहीं, हमेशा तो ये नहीं रहता, जैसे NO3 चला जाएगा ये वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, इसलिए इसे सिर्फ डाइपोल नहीं कहेंगे हम, इसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल कहेंगे। और इंड्यूस्ड डाइपोल और आयन के बीच जो ये अट्रैक्शन जनरेट हुआ है, ये जो बॉन्ड बना है, यही वैंडरवॉल फोर्सेस है, ये जो फोर्सेस जनरेट हुई है वैंडरवॉल फोर्सेस है। कौन सी नाम इनका क्या है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन।
अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, फोर्थ देखना नाम से, फोर्थ आप पढ़ोगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस। ठीक है सर। डाइपोल, एक तो डाइपोल है, मान लो कोई भी एक डाइपोल, सपोज ए बी एक डाइपोल है, उस पे इधर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव क्लाउड हो गया और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब यहां कोई नॉर्मल मॉलिक्यूल है, नॉर्मल कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, I2 का ही ले सकते हो, ऊपर से नॉर्मल मॉलिक्यूल। जैसे ही पॉजिटिव यहां आएगा तो क्या करेगा, यहां वाले दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन थे, पहले तो इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन थे, जितने इलेक्ट्रॉन यहां थे उतने यहां थे, सब बराबर बटा हुआ था, लेकिन क्या पॉजिटिव चार्ज यहां थे, वहां वाले इलेक्ट्रॉन को भी इधर अट्रैक्ट कर लिया एक्स्ट्रा, तो यहां पे कैसा चार्ज जनरेट हो गया, नेगेटिव। जैसे ही इस मॉलिक्यूल के इधर नेगेटिव इंड्यूस हुआ, दूसरी तरफ पॉजिटिव इंड्यूस हो गया, तो ये तो आपका क्या था, ये पूरा डाइपोल था, और ये क्या हो गया, इंड्यूस डाइपोल हो गया, और इनके बीच में ये जो फोर्सेस जनरेट होगी इसे हम इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन कहेंगे। डाइपोल फिर रुको और फिर इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, ऐसे बोलो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। तो कौन कौन से पढ़े हमने, सबसे पहले डाइपोल डाइपोल, फिर आयन डाइपोल 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 आयन डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस डाइपोल। अब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, क्लियर है? तो सबसे पहले तो दो डाइपोल थे, कोई दिक्कत नहीं, फिर एक आयन हो गया, एक ही डाइपोल बचा, फिर एक आयन था और दूसरा डाइपोल था नहीं, आयन ने उसे इंड्यूस करके डाइपोल बनाया, फिर एक डाइपोल था और दूसरा नॉर्मल मॉलिक्यूल था, तो डाइपोल ने उसे भी इंड्यूस करके डाइपोल ही बना लिया। फोर्थ आपके डिस्पर्जन फोर्सेस। अब ये डिस्पर्जन फोर्सेस क्या है बेटा, इनको अच्छी तरह से समझना, ये सबसे थोड़ी अलग फोर्सेस है। डिस्पर्जन फोर्सेस और डिस्पर्जन इंट्रैक्शन फोर्सेस, ध्यान देना, ये हमेशा नहीं होती, ये हमेशा नहीं होती डिस्पर्जन फोर्सेस, ये कभी किसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए जनरेट होती हैं, लगती हैं, तो हम इसे देखेंगे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ध्यान से समझना, किसी पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पे, जैसे कि एक एग्जांपल से समझो, यहां मान लो हीलियम का एक एटम है, अब हीलियम बढ़िया जिंदगी जी रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन है, टू, दूसरा भी हीलियम है, कितने इलेक्ट्रॉन है, टू, तो इलेक्ट्रॉन्स समझना कि इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर पे घूम रहे हैं, थ्री डायमेंशनल स्फीयर है, थ्री डायमेंशनल चारों तरफ घूम रहे हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, क्लियर है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे, कभी ऐसा हो सकता है मैं एक पर्टिकुलर किसी टाइम पे सीन देखता हूं, वैसे तो कोई इलेक्ट्रॉन कहीं होगा, कोई कहीं होगा, लेकिन सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहां वाले इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएं, यहां हीलियम के इलेक्ट्रॉन यहां, और वो इन इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन के थ्रू दूसरी तरफ रिपेल कर दे, वो भी यही हो लेकिन उन्हें रिपेल करके दूसरी तरफ भेज दे, तो इसमें हीलियम के क्लाउड में इधर नेगेटिव जनरेट हो जाएगा और इस हीलियम में इधर पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा,
अब इनके बीच जो फोर्स जनरेट हुई है डिस्पर्जन फोर्स है, कितनी देर के लिए रहेगी? कुछ मोमेंट के लिए, क्योंकि जस्ट उसके बाद ये मूव कर जाएंगे और वो फिर अपना घूमने लगेंगे कहीं भी। तो समझना, थोड़ी देर के लिए किसी भी इंस्टेंट पे क्लाउड में इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाएं और वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, जैसे इसमें इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, ये डाइपोल की तरह बिहेव करने लगेगा, इसमें इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये डाइपोल की तरह बिहेव करने लगेगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच जनरेट हो जाएंगी। इसीलिए तो हीलियम, हीलियम के बीच फोर्सेस होती हैं भाई, हीलियम गैस इकट्ठी रहते हैं किस वजह से? इन्हीं फोर्सेस की वजह से, अदरवाइज तो हीलियम आपस में कोई बॉन्ड ही ना बनाए, लेकिन हीलियम भी बॉन्ड बनाते हैं तो वो वीक बॉन्ड है, लेकिन है तो वो, जब सोचा समझा कि हीलियम कैसे बॉन्ड बनाएंगे तो वो ये फोर्सेस होती हैं जो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उनको जोड़े रखती हैं। इसे मोमेंट्री डाइपोल भी कहते हैं। ये जो डाइपोल बने हैं, पहले वाले तो इंड्यूस्ड डाइपोल थे, इंड्यूस्ड जब तक वो पास पास रहेंगे ये डाइपोल बने रहेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल, लेकिन ये पास पास होने के बाद भी पर्टिकुलर थोड़ी देर के लिए ही बनते हैं, मोमेंट्री यानी किसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, मोमेंट्री डाइपोल, ठीक है। ये मोमेंट्री डाइपोल बना, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये क्या बना, इस मोमेंट्री डाइपोल ने इसमें डाइपोल इंड्यूस्ड कर दिया, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। कब तक ये इंड्यूस्ड डाइपोल है ये वाला? जब तक ये मोमेंट्री डाइपोल है, थोड़ी देर के लिए ही रहेगा, ये भी खत्म हो जाएगा, और इन दोनों के बीच जो फोर्सेस हैं यही डिस्पर्जन फोर्सेस कहलाएंगी, और इनको एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, तुमसे पूछ लेंगे सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, लंडन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस। यहां कोई फोर्सेस नहीं होनी थी, लेकिन पर्टिकुलर मोमेंट पे ये मोमेंट्री डाइपोल बना, इलेक्ट्रॉन एक तरफ आए और इसने इसमें डाइपोल इंड्यूस कर दिया, तो मोमेंट्री डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन जनरेट होता है, मोमेंट्री अट्रैक्शन, उसे हम डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस कहेंगे। हीलियम इसका बेस्ट एग्जांपल है। यहां तक ये आपके फोर्सेस खत्म हो गई हैं। अगला टॉपिक जो आप समझोगे बेटा, ध्यान से देखना सर। अच्छा देखो ना, तुम सर्दियों में देखा होगा ठंड लगती है तो हम हाथों को रब करते हैं, फ्रिक्शन जनरेट होता है। जनरली तुम्हें पता होगा मूवमेंट से भी हीट जनरेट होती है, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट से हीट जनरेट हो रही है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक यही पढ़ेंगे, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी एक्चुअली जो स्टेट है मैटर की, स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहली जो अभी हमने पढ़ा, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस पे, और दूसरी करती है थर्मल एनर्जी पे, थर्मल एनर्जी पे। सोचो कि दो मॉलिक्यूल हैं या बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, चलो वो आपस में, उनमें मूवमेंट ज्यादा हो रही है, ज्यादा मूवमेंट है और थर्मल एनर्जी ज्यादा है, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनकी स्टेट कैसी होगी? जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी उनकी स्टेट सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे थर्मल एनर्जी कम होगी गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। भाई थर्मल एनर्जी प्रोसेस बाय द मॉलिक्यूल ड्यू टू टेम्परेचर विच रिजल्ट इनटू द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड हेंस ट्राई टू कीप देम अपार्ट। मॉलिक्यूल में जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, उसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या रहेंगे, दूर होते चले जाएंगे, और दूर होंगे तो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और थर्मल एनर्जी बढ़ गई तो लिक्विड से गैस में। सिंपल एग्जांपल तुम देखते हो, बर्फ है उसे गर्म करोगे तो लिक्विड, और गर्म कर दोगे तो वेपर। तो ये बचपन में पढ़ा हुआ है, बस नाम थर्मल एनर्जी, इंट्रैक्शन फोर्सेस स्टेट इन पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स।
तो ये ध्यान रखना, स्टेट डिपेंड्स ऑन एक नंबर में दो नंबर में, यही सब पूछ लेंगे। ये डायग्राम याद रखना कि थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी तो ऐसे और डिक्रीज होगी तो ऐसे। इंक्रीज और डिक्रीज होने से फर्क क्या पड़ेगा? अब इन सब चीजों को अब है हमारा, अब हम स्टडी करेंगे बेटा आइडियल गैस। एक्चुअली आइडियल गैस होती नहीं है, कुछ होती नहीं है, हम सिर्फ मान लेते हैं और इस मानने को कहते हैं हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जो हमने सिर्फ मान लिया, ठीक है, किसका? ऑफ मैटर एंड इट इज ट्रीटेड एज आइडियल गैस। जैसे तुम्हें देखा होगा कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, रिश्तेदार ऐसे होते हैं, बच्चों को बताते रहते हैं भाई एक लड़का शर्मा जी का लड़का है ऐसे, शर्मा जी का लड़का है ऐसे, शर्मा जी का लड़का है ऐसे। आप कुछ भी करो तभी शर्मा जी के लड़के को एग्जाम्पल दे देंगे, शर्मा जी का लड़का तो ऐसे करता है। अच्छा कई दिनों बाद, सालों बाद आपको पता लगता है कि ऐसा शर्मा जी का तो कोई लड़का था ही नहीं, आपको बेवकूफ बना के आपके पिताजी रोज स्टोरियां सुना देते थे, ठीक है। तो ऐसी आइडियल गैस पढ़ोगे आप, आइडियल गैस को लेके आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे और एक्चुअली आपको पता लगेगा कि आइडियल गैस तो कोई होती ही नहीं। हम तो बस इसको कंपैरिजन के लिए, बाकी गैसेस को कंपैरिजन के दिखा देते हैं कि भाई आइडियल गैस होती तो ऐसा कर लेती, इस गैस की जगह हाइड्रोजन की जगह, ठीक है, हीलियम की जगह, क्लोरीन गैस की जगह, किसी भी गैस की जगह अगर आइडियल गैस होती तो ये रिजल्ट आता। तो हम बहुत सारे रिजल्ट्स को, रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को आइडियल गैस होती तो कैसा रिजल्ट आता ऐसा करके पढ़ेंगे। क्लियर है सर? आइडियल गैस हो, आइडियल गैस कोई गैस ही नहीं होती बेटा। आइडियल का मतलब है कि एक गैस, परफेक्ट गैस, परफेक्ट, जो परफेक्ट बिहेवियर करे हर चीज के ऊपर, जो आप गैस के बारे में जो आपने लिखा हुआ रिटर्न में जो गैस के लिए अजम्पशंस लिया लिखा हुआ है आइडियल गैस वो सब शो करे, लेकिन एक्चुअल नेचर में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली देखो थ्योरेटिकल आपने लिख दिया और प्रैक्टिकल दोनों में कितना डिफरेंस है। आप एक टाइम टेबल बना लेते हो, आइडियल टाइम टेबल, बहुत बढ़िया टाइम टेबल, 5:20 पे उठूंगी, 10 मिनट तक ब्रश करूंगी, ऐसे करूंगी, 2 मिनट तो बाहर खड़ी हो जाऊंगी, और भाई पूरा टाइम टेबल बना लिया, बहुत बढ़िया, एक एक मिनट का हिसाब, वो आइडियल टाइम टेबल हो गया। लेकिन ऐसा कोई टाइम टेबल कभी फॉलो तो नहीं होता ना। तो ऐसे ही कोई भी गैस नहीं है ये, हम जनरल एक गैस मान लेते हैं कि जनरल एक गैस जो सब प्रॉपर्टीज को, गैस की सब प्रॉपर्टीज को 100% फॉलो करेगी। सर जब ऐसी कोई गैस है ही नहीं तो क्यों मानना है? ताकि दूसरी गैसेस को कंपेयर करके उसके नजदीक पहुंचा सके। अच्छा एक बात बता, मम्मी तुझे कहते हैं अच्छे बच्चे तो ऐसा करते हैं, अच्छे बच्चे तो ऐसा करते हैं, कहती है ना भाई अच्छे बच्चे इतना पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे, वो अच्छे बच्चे होते ही नहीं, फिर भी उन्हें हम मान लेते हैं ताकि तुम उनके ज्यादा नजदीक जा सको, यानी तुम उन्हें कंपेयर करके, ये कोई यार अच्छे बच्चे रोज 10 घंटे पढ़ते हैं तो चलो मैं 6 घंटे 7-8 तो पढ़ लूं, अच्छे बच्चे तो बिल्कुल बाहर का कुछ नहीं खाते तो चलो यार मैं कभी कभी तो खा रही हूं। तो ऐसा हम स्टडी करने के लिए सब प्रॉपर्टीज को भी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है हमें, बिहेवियर स्टडी करने गैसेस के, तो इसको स्टडी करेंगे तो ये तो 100% है, तो बाकी गैसेस उसके कितना नियर जा रही है उससे अंदाजा तो हो जाएगा ना हमें कि वो कैसा शो करेंगी, किन कंडीशंस में किस तरह का बिहेवियर, अंदाजे के लिए अंदाजा अंदाजा हो जाएगा हमें कि ऐसे ऐसे कंडीशन में गैसेस कैसे कैसे बिहेव करती हैं। अच्छा आइडियल गैसेस के लिए कुछ अजम्पशंस है, कुछ अजम्पशंस जिसे सिर्फ हम एज्यूम करते हैं, एजम्पशंस लिखवा रहा हूं, क्या एजम्पशंस होंगी, क्या क्या हम मान लेंगे कि आइडियल गैस ऐसी होंगी, कैसी होंगी। पहला कि आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इन्हें लिख लेना अच्छी तरह से, याद करना, क्वेश्चन पूछा जाता है, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर इनफाइनाइटली स्मॉल,
भाई कोई भी गैस है उसके मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा, लेकिन हम मानते हैं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो तो इनफाइनाइटली नेग्लिजिबल जीरो है, वॉल्यूम बहुत स्मॉल है। एंड द फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज जीरो। अब देखो हमने पीछे पांच तरह की फोर्सेस पढ़ी पढ़ी ना बेटा, 1 2 3 4 पांचों मॉलिक्यूल्स के बीच में ही तो लग रही हैं, किसके बीच में? मॉलिक्यूल के बीच में। लेकिन वो फोर्सेस बहुत कम है, फोर्सेस बहुत लेस कम होंगी तभी तो वो गैस होगी। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्सेस बहुत कम होंगी लेस होंगी तो वो गैस होगी, है ना। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स तो होंगी, कम होंगी लेकिन होंगी। लेकिन हम मानते हैं कि आइडियल गैस ऐसी है जिसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कम होते होते जीरो हो गई है। अब प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मॉलिक्यूल है तो पांच टाइप हमने पढ़े, कोई ना कोई टाइप उन पे एप्लीकेबल होगा ही होगा, और कभी ना कभी चाहे मोमेंट्री हो किसी भी टाइम के लिए हो फोर्सेस तो होंगी। लेकिन आइडियल गैस को स्टडी करते हुए हम उन सब फोर्सेस को जीरो मान लेंगे और उनके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, उनका इफेक्ट भी नहीं स्टडी करेंगे कि उन फोर्सेस का कोई इफेक्ट होगा। हम मानेंगे कि ये मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल एक दूसरे से कोई इन्हें मतलब नहीं है। तो फर्स्ट ये कि वॉल्यूम और फोर्सेस दो चीजों को लेके फर्स्ट वाला एजम्पशंस है, वॉल्यूम इनफाइनाइटली स्मॉल नेग्लिजिबल और फोर्सेस जीरो। सेकेंड, मॉलिक्यूल ऑफ द गैस अंडरगो, लिख लो इसे, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस अंडरगो रैंडम मोशन कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर तो नेक्स्ट समझो भाई, ये कंटेनर है, देखो नीचे ये कंटेनर बना दिया मैंने, कंटेनर ये मॉलिक्यूल है, सपोज दो ही मॉलिक्यूल मान लेते हैं दो। कह रहा है कि ये एक दूसरे से टकराएं आपस में, ये टकरा गया, टकराते कोलिजन था, ये टकराते टकरा के वापिस आ गया, वापिस आके चलते चलते यहां दीवार से टकरा गया, टकरा के फिर कहीं गया, कहां तक गया, जहां तक कोई दूसरा मॉलिक्यूल बीच में इससे ना टकरा जाए। दूसरे किसी मॉलिक्यूल से टकराएगा तो फिर दूसरे मॉलिक्यूल के पास चला जाएगा। तो कह रहा है कि ये रैंडम, इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली इधर से उधर, जहां एक से टकराए वहीं पीछे मुड़ जाए, टकराते ही दूसरी तरफ, यहां से यहां टकराया मुड़ गया, तो टकराते ही वो रिबाउंड हो जाए। किस किस से टकराएगा? रैंडम मोशन में रहेगा, कोई फिक्स डायरेक्शन कुछ नहीं है। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, या वॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की दीवार के साथ। जब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स है ही नहीं तो कोई भी एक दूसरे पे अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ही नहीं, सिर्फ वो टकराते रहेंगे और रिबाउंड होते रहेंगे, टकराएंगे और रिबाउंड होते रहेंगे, उसकी वजह से रैंडम मोशन, जिग जैक, इधर उधर कहीं भी, तो रैंडम मोशन। सेकंड क्या है आपका, सेकंड पॉइंट पे रैंडम मोशन याद रखना, बाय कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। और ये देखो, एक मैं यही बता देता हूं, ये मॉलिक्यूल जब दीवार से टकराते हैं तो उसी की वजह से ये दीवार पे प्रेशर जनरेट करते हैं, उसी की वजह से बलून, गुब्बारा फूला हुआ रहता है। गुब्बारा फूला हुआ क्यों रहेगा? क्योंकि उसके अंदर जो गैस है उसके मॉलिक्यूल रैंडमली दीवार से टकरा रहे हैं बार बार बाहर की तरफ। ये थोड़े कि गुब्बारा फूला हुआ है तो उसके अंदर सारे में जो गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं ना, गैस तो भरी हुई है लेकिन उन मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, उन मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, तब मॉलिक्यूल रेस्ट पे नहीं है, वो आपस में टकरा रहे हैं, आपस में टकराते टकराते जाके दीवार से भी टकरा रहे हैं, और दीवार पे इतनी टक्कर मार रहे हैं गुब्बारे की कि उसको अंदर की तरफ नहीं आने दे रहे और गुब्बारा फूला हुआ है। क्लियर? तो मॉलिक्यूल ऑफ द गैस अंडरगो रैंडम मोशन
कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो ये हमारा क्या है, सेकंड। थर्ड एजम्पशन, लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स आर एप्लीकेबल ऑन द मॉलिक्यूल्स। मैकेनिक्स के जितने लॉ आपने फिजिक्स में पढ़े हैं, मोशन से, फोर्स से, प्रेशर से, वो सारे लॉ इनके मॉलिक्यूल के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि वो फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो सारे लॉ एप्लीकेबल होंगे। तो ऐसी हमारी आइडियल गैस है। क्या तीन चीजें पढ़ी थी, बहुत शॉर्ट में तीनों को रिवाइज करो। वॉल्यूम नहीं, किसका मॉलिक्यूल का, वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम ना, और फोर्स ऑफ बिटवीन द मॉलिक्यूल वो भी नहीं। तो पहला तो ये था। दूसरा, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन बाय कोलाइडिंग विद ईच अदर, आपस में ईच अदर, और फिर वॉल ऑफ द कंटेनर, या तो दीवार से टकराए या आपस में टकराए, रैंडम मोशन। थर्ड, ऑल लॉज एप्लीकेबल मैकेनिक्स के, मैकेनिक्स के जितने भी लॉज हैं वो इन पे लगेंगे। तो ये तीन आप एजम्पशंस मानोगे जब आइडियल गैस को स्टडी करोगे। अब एक शब्द आता है बेटा, अब आइडियल गैस को स्टडी करते हुए हम एक शब्द पढ़ते हैं, स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट का मतलब तो वही सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी इसे हम कह सकते हैं फिजिकल कंडीशन। ये तो एग्जांपल है, जनरली क्या है ये, फिजिकल कंडीशन किसी भी सिस्टम की। तो फिजिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट। स्टेट के अगर डेफिनेशन पूछे तो फिजिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट। अब फिजिकल कंडीशन होंगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएबल, वेरिएबल्स मतलब जो चीजें चेंज होती रहती हैं, ऐसे कोई वेरिएबल भी होंगे। तो चेंज क्या क्या हो सकती हैं, तो आप देखो क्या क्या चीजें आप किसी सिस्टम के फिजिकल कंडीशंस के बारे में आप पढ़ सकते हो। सिस्टम के आप देखोगे कि उसमें प्रेशर कितना है, जैसे बलून के बारे में ही सोच लो, प्रेशर। दूसरा आप पढ़ोगे कि वॉल्यूम कितना है उसका, किसी गैस का बलून के अंदर। तीसरा आप पढ़ोगे टेम्परेचर क्या है उस चीज का। तो जब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन स्टेट है आपके पास फिजिकल कंडीशन, तो ये तीनों में क्या वेरिएबल है, क्या चीज चेंज होती है, इनका प्रेशर चेंज होता है, इनका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, और इनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है, इंट्रैक्ट करता है। तो प्रेशर के लिए बार बार पी शब्द यूज करेंगे, वॉल्यूम के लिए वी, और टेम्परेचर के लिए टी। ये तीनों शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, सेम चैप्टर फिजिक्स में है, एक साथ पढ़ लो ताकि उसमें तुम्हें बड़ा आसान रहे। प्रेशर, प्रेशर की डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो प्रेशर की डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं, पहले ऊपर प्रेशर है तो प्रेशर मास पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है बेटा। लेकिन यहां प्रेशर किसे कहेंगे, अभी अभी जो मैंने बताया था, यहां प्रेशर किसे कहेंगे, तो पहले पे मैं लिख देता हूं प्रेशर के लिए। ए फोर्स, बलून के एग्जांपल से सोचो, प्रेशर किसे बताया था, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन उस पे फोर्स डालेगा, हाँ, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल ऑफ द कंटेनर ड्यू टू दी, किस वजह से फोर्स लगा रहा था, क्योंकि कहीं टकरा के आया था तो वहां टकरा गया, किस पे, वॉल पे, ऐसा ही था ना। देखो ये दीवार पे कैसे क्यों टकराया, क्योंकि ये कहीं से ये यहां जा रहा था, इससे टकराया और टकराने की वजह से जाके दीवार पे टकरा गया, और दीवार पे टकराया तो प्रेशर जनरेट हुआ। तो अ फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर ड्यू टू द कोलिजन
कोलिजन्स ऑफ द एटम्स, या फिर एटम ना होके वो मॉलिक्यूल हो सकता है, मॉलिक्यूल्स। दिस फोर्स एवरेज, अब इसको एक एक मॉलिक्यूल के अलग अलग थोड़ी पढ़ेंगे, सब जो लगा रहे हैं उसका एवरेज आउट निकाल लेंगे। तो इसके लिए लिखते हैं दिस फोर्स एवरेज्ड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। देखो तुम्हारी वही डेफिनेशन आ गई, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन तो एवरेज फोर्स, कौन सी फोर्स? जब वो वॉल पे टक्कर लगा के, वॉल पे टकरा के वॉल को पे लगा रहे हैं वो फोर्स। तो दिस फोर्स एवरेज्ड पर यूनिट एरिया, दिस ऊपर रेड पेन से क्या लिखा हुआ है, दिस का मीनिंग लिखा हुआ ऊपर कि कौन सी फोर्स, वो ही वाली टक्कर वाली फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे इंस्ट्रूमेंट, प्रेशर को मेजर करने वाले? तो जो मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट है गैस के प्रेशर को मेजर करने वाले, गैस के प्रेशर को आप जब साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, गाड़ियों में हवा भराते हो तो प्रेशर देखते हैं ना कितना प्रेशर हुआ है। तो गैस के प्रेशर को मेंटेन करने वाले एक तो आपके पास है बैरोमीटर, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका मैनोमीटर, बैरोमीटर और मैनोमीटर। आजकल सबके पास नेट है, फोन में बैरोमीटर एंड वर्किंग टाइप करना, मैनोमीटर एंड वर्किंग टाइप करना, देख के समझना प्रैक्टिकली कि कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग लेवल पे इनका पूरा फंक्शन, फॉर्मेशन सब सिखाते हैं, तो समझना कि कैसे गैस के प्रेशर को हम मेजर करते हैं। तो प्रेशर पी से डिनोट करेंगे, डेफिनेशन होगी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। दूसरा अब हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या है? अगर तीन चीजें सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर सॉलिड है रिजिड, सॉलिड मतलब अगर रिजिड कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर रिजिड कंटेनर में भरा हुआ है, मान लो गैस है, सॉलिड के वॉल्यूम का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिक्स हो गया। लिक्विड का वॉल्यूम भी सेम एज द कंटेनर, गैस का अगर कंटेनर रिजिड यानी फिक्स है तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो कंटेनर के वॉल्यूम जितना ही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। बात समझना, सॉलिड का वॉल्यूम कोई दिक्कत नहीं, सॉलिड जिस शेप में वॉल्यूम निकल जाएगा, लिक्विड जिस कंटेनर में भरा हुआ उसका वॉल्यूम, गैस का भी अगर कंटेनर रिजिड है तो कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। अब जो कंटेनर एक्सपेंड कर सके, दिक्कत कहां आई, दिक्कत आई एक्सपेंड करने पे, अगर कंटेनर एक्सपेंड कर सकता है, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है बलून, गुब्बारा। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डिटरमाइंड बाय द अदर टू स्टेट फंक्शन एंड द मोल ऑफ द गैस टेकन, तो उसके बाद वॉल्यूम को हम दूसरे स्टेट फंक्शंस की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, और उसमें हम क्या यूज करते हैं, मोल्स ऑफ द गैस, गैस के कितने मोल हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका वॉल्यूम जो है वो मेजर कर लेंगे। सेम वॉल्यूम में कोई भी गैस होगी वो सेम मोल्स जो है उसके प्रेजेंट होंगे, सेम वॉल्यूम में सेम मोल्स, चाहे गैस कोई भी हो, ध्यान रखना आगे बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल में। ये ए और बी दो गैस हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है तो दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल भी सेम होंगे, चाहे वो कोई भी गैसेस हो। थर्ड अब हमारे पास क्या आ जाता है, किसके बारे में हम पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ हीट कंटेंड इन द गैस, तो टेम्परेचर इट इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ हीट कंटेंड इन द गैस, गैस ने कितनी हीट को कंटेन किया हुआ है उसको अगर आप मेजर कर लो तो वही टेम्परेचर है। अगर
कोई गैस है, इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस, ध्यान से देखना, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इक्वल टू द सराउंडिंग, अगर गैस का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर है तो क्या होगा? नो हीट फ्लोज, नो हीट ट्रांसफर, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। अगर टेम्परेचर में और ऐसे केस को जब हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, ऐसे केस को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ये एक डेफिनेशन है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल मतलब, थर्मल का मतलब हीट, इक्विली मतलब बराबर, बराबर। तो जब हीट बराबर हो गैस की भी, किसकी, गैस की भी और सराउंडिंग की भी, हीट बराबर हो तो थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, चेंज कैसे, आपने फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी, एयर कंडीशनर, इसमें हम यही चीजें यूज करते हैं, गैस को कंप्रेस करके उसकी हीट निकाल लेते हैं, हीट निकलते ही, कंप्रेस करने से हीट निकल जाती है गैस की, कंप्रेसर होता है एसी में और फ्रिज में, कंप्रेसर यूज करते हैं, वो गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस दबा देते हैं, दबाने से उनकी हीट निकल जाएगी, बहुत ठंडी हो जाएगी, और ठंडी गैस को फिर क्या करेंगे, एसी में आगे फैन के सामने पाइप से भेज देंगे, पाइप ठंडा हो जाएगा, हवा उस ठंडे पाइप से लगेगी, कमरे को भी ठंडा कर देगी, लेकिन वो जो ठंडा पाइप है वो कमरे की गर्म हवा को, गर्म हीट को फिर एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर जाएगा, फिर कंप्रेसर उसे दबा के वो हीट निकाल लेगा। तो यहाँ पे गैस के और सराउंडिंग के टेम्परेचर में हम डिफरेंस क्रिएट करके हम रूम में से हीट को स्क्वीज आउट कर लेते, खींच लेते हैं। ये भी आप पढ़ोगे, 11th में ही पढ़ लोगे कि फ्रिज कैसे काम करता है, एयर कंडीशनर कैसे काम करता है, पूरा इनका मैकेनिज्म आप समझ लोगे। अब टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे भाई, मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए तीन चीजें हैं, एक डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फारेनहाइट में और एक केल्विन में, ये तीन चीजें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हैं। तीनों का रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, तीनों के आपने थर्मामीटर पढ़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आइडियल गैस लो,